राधे राधे दोस्तों, ना कल मूंग भी गा रखी है और आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग का पिज्जा। इस पे ना हींग भी डालते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, वो स्टार्ट हो रहा है अराउंड 8 और आज ना हमें थोड़ा बहुत काम है मॉर्निंग वाले टाइम पे, क्योंकि मम्मा ने ना कल मूंग भिगा रखे है और आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग बाटी। सो गाइज, आपको जैसे कि पता है कि इस टाइम पर ही ना पहाड़ पे ना बड़ी और मूंग बाटी डाली जाती है। बड़ी की दाल आपको पता ही होगी कि वो किसकी बनती है, मांस हो गया, मांस पे हम या फिर ककड़े की बड़ी बनाते हैं, या फिर पापड़ की बड़ी बनाते हैं, या फिर मूली की बड़ी बनाते हैं। इन सब की बड़िया बनती है। और साथ ही बड़ी तो पता नहीं हम लोग कब बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग बनाने वाले हैं मुंगाड़ी, तो वो अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक नीचे चलते हैं, थोड़े बहुत काम है वो निपटाते हैं। ऊपर से मैंने ब्लॉग भी एडिट ढंग से नहीं करा, तो वो भी करती हूँ फटाफट से। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर पे, जस्ट सेकेंड में आपको, तो मैं जल्दी मिल जाऊंगी। A few moments later, हमारी मम्मी भी उठ गई हैं, राधे से बात करनी। देखो बाबा, राधे स्माइल करो, स्माइल। अरे हाजी हाजी, ये कितना सीरियस हो गई है रे। वही तो, क्लैप 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 क्लैप। चलो तुम करो, काओ कैसा करती, काओ काव कैसा करती है। हम करते हैं काम। सो गाइस, मैंने ना नहा लिया है। आई नो लग नहीं रही होंगी नहाई हुई, क्योंकि हेड वॉश नहीं किया। हेड वॉश जब तक ना करो लगता भी नहीं ना है, लेकिन बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत कमी धोती हूँ इनको। सो मिक्सी निकाल ली है, हम लोग बना रहे हैं मुंगौड़ी। मैंने आपको जैसा कि बताया था, और इस पे ना हमने मुंगौड़ी भिगा कर रखी थी, मतलब सॉरी मूंग भिगा कर रखा था। और ये हमारा मूंग और बाकी उधर है, फटाफट पीसते हैं, फिर इनको प्यार ऐसे छोटे छोटे शेप में बना लेंगे। सो गाइस, इस पे ना हींग भी डालते हैं, तो अभी मैं हींग डाल रही हूँ, बाकी तो पीस लिया है। मम्मी हींग कितनी डालनी है बताओ, डाल दूं? नहीं यार, ज्यादा ज्यादा चाहिए। सो गाइस, हम लोग आगे हैं छत पे, और मम्मी अभी ना टीनों पे लगा रही हैं तेल, क्योंकि मुंगाड़ी डालने से पहले या बड़ी डालने से पहले डालते ही हैं, मतलब जिस पे हम लोग बड़ी या मुंगाड़ी डाल रहे हैं उस पे तेल डालना जरूरी नहीं, तो हमें निकलेंगी कैसे। हाय, इतनी धूप हो रही है, पता नहीं कैसे हो गए सब। मम्मी कैसी लग रही हैं, डाकू जैसी। ये दूध के पैकेट की थैली है, ज्यादा मत डालो। पहले से हम हाथ से डालते थे, पता है, हाथ से तो टाइम लगता होगा, पर आप दिख भी नहीं रही हो, छाया आ रही, धूप आ रही है आपको। A few moments later. So guys, मम्मी ना अभी भी छत पे ही है, मुंगाड़ी डाल रही हैं। मैं तो हालत खराब होगी, मैंने पूरा एक टीम भी पूरा नहीं किया, मम्मी ही कर रही हैं। मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है ना ढंग से एडिट किया, पहले एडिट करके निकालती हूँ उसको, एक्सपोर्ट करते फिर फटाफट से अपलोड करती हूँ। हम मिलती हूँ आपसे, फिर दिखाती हूँ मुंगाड़ी कितनी डाल रखी है हमने, मतलब कैसे डाल रखी है। 2 hours later. So, दोस्तों, दोपहर के 1 बज गया है और हम लोगों का जो है ना लंच भी रेडी हो गया है। अभी पापा नहीं आए हैं, तो जब पापा जाएंगे 2 बजे के आसपास या फिर आधे घंटे बाद आएंगे, मतलब 2 बजे तक का ही लंच करेंगे हम लोग। और आपको पता है आज फिर से हमारे घर पे बना है कद्दू। क्या मतलब, ये कद्दू लौकी से इतना परेशान हो गए,
इतना परेशान हो के। क्या आप लोग भी परेशान हो रहे हैं? मुझे बताना आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं ना वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वो कद्दू लौकी खाकर, स्पेशली मैं लौकी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, होने को हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली एक ही सब्जी खाए तो बोर तो हो ही जाते हो। अब हमने भी दोपहर में कद्दू चावल ही खाना है। मतलब ये जब से लौकी कद्दू आ ही रहा है ना, तब से दाल बनना भी बंद हो गया है। कभी मम्मी लौकी चना बना दे रही है दोपहर में चावल के साथ, कभी कद्दू चावल हो जा रहा है हमारा, फिर कभी रात को लौकी की सब्जी जा रही है, यही होने में लग गया। तो देखते हैं अब क्या है, करे होने को कद्दू और चावल तो फिर भी अच्छा ही लगता है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग जब तक ये सीजन चल रहा है तो। हम लोगों का लंच हो गया है और अभी मैं आ रखी हूँ छत पे, देखने आई थी कि चारों तरफ बंदर तो नहीं हो रखे हैं। आपको मैंने मूंगौड़ी डालने के बाद दिखाई नहीं, दिखाते हैं मैंने कौन सी डाली है, मम्मी ने कौन सी डाली है। मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा कि मैंने ये वाली डाली थी, ये वाली डाली थी। शाबाश बेटा। आई थिंक ये वाली ना मम्मा ने डाली थी, ये वाली मम्मा ने डाली थी और ये वाली मैंने डाली थी, क्योंकि आपको मैंने ये बारीक 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 डाली थी और वहाँ से धीरे धीरे कर कर ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी होने लग गई थी। सो ये सूख रही हैं धूप में, यहाँ चल रहे हैं मतलब यहाँ सुखाए जा रहे हैं गेहूँ, और हम चलते हैं नीचे सो जाते हैं हम। बाय। 2 hours later दोस्तों हम लोग आ गए हैं इवनिंग वॉक के लिए, और आज हम ना और दिन से थोड़ा सा पहले आए हैं, 4:30 के आसपास हम लोग घर से निकल गए थे, और आज ना मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब ख़राब सा हो रहा, मतलब शाम शाम को ना बादल बादल से लग गए थे। सो वॉक करके आते हैं, और अभी मैंने जाना है अनु दीदी के वहाँ। अगर आपको याद होगा तो अनु दीदी रहती है नीचे बेस से थोड़ा सा पहले, मैं आपको बहुत बार भी मिला चुकी हूँ। सो वहीं को जाना है अभी, वहाँ से लेकर आना है पापड़, क्योंकि मम्मी एक दो दिन बाद फिर से, मतलब फिर से क्या मतलब एक दो दिन बाद बड़ी डालने वाली है, तो उससे पहले पापड़ की ज़रूरत है। उन पापड़ों को बिना जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर मास में मिक्स किया जाएगा। खैर वो प्रोसेस तो मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल अभी घूम कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। उधर साइड को देखो मौसम खुला खुला लग रहा है, और इधर देखो कहीं बादल लगे हैं, कहीं मौसम ठीक ठीक सा हो रहा है। अभी भी थोड़ी थोड़ी सी धूप आने लगी, इससे पहले पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। 2 hours later तो हम लोग घूम कर घर से आ गए, और साथ ही ना मैं अनु दीदी के वहां से पापड़ भी लेकर आ गई हूँ। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं पता भूल गई थी जल्दीबाजी में, लेकिन जो पापड़ मैं लेकर आई हूँ, मम्मी लोग अभी मम्मी और पापा दोनों अंदर उनको बीन रहे हैं, तो चलो आपको लेकर चलती हूँ आपको। चले तो यहाँ पर को पापड़ क्या कहते हैं साफ करे जा रहे हैं, अच्छे से बीने जा रहे हैं। जो मैं अनु दीदी के मान से लाई ना ये है, मैं अपने दोस्तों से बोल रही थी पापड़ की बड़ी बनती है, कौन सा पापड़ की बड़ी बोले यार मम्मी। और साथ ही ना आज भी घर के अंदर लौकी बन रही, परेशान कर दिया है यार ये कद्दू लौकी ने। अब ये लास्ट लौकी है, कद्दू भी घर पे जो था वो खत्म हो चुका है, बस इसके बाद नहीं आना चाहिए बाजार से, तो मैं कत्ता ही नहीं लेकर आऊंगी। तो फटाफट से खाना बनाते हैं और डिनर करते हैं। सो दोस्तों हम लोगों का डिनर हो गया है, और मैं आपको बताऊं मैंने लौकी की सब्जी नहीं खाई, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाया ओट्स, और बाकी लोगों ने तो रोटी सब्जी ही खाई थी। और साथ ही आज राधे की वीडियोस पे इसलिए इंक्लूड नहीं की है क्योंकि दीदी ने मुझे कोई भी वीडियो नहीं भेजी थी वहां से बनाकर, सो इस वजह से आज हमारी नन्ही सी राधे की वीडियो जो है वो मिसिंग है। सो अगले व्लॉग में हम राधे की वीडियोस भी मर्ज करेंगे। फिलहाल के लिए आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।